नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, साल ख़त्म होने वाला है, 2023 अब बस ख़त्म होने पे है, दो ही दिन बचे हुए हैं। तो इस समय ऐसा आप क्या करें कि नए साल में एक नई दिशा के साथ जा सके, नए तरीके से जा सके, नए उत्साह के साथ जा सके, नई चीज़ों को अचीव कर सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीते साल से कोई भी कार्मिक बैगेज अगले साल लेकर नहीं जाना है, कोई भी कॉर्ड्स वहाँ नहीं जाना है, जो भी है इस साल में छोड़ कर जाना है। नई ख्वाहिशें, नए डिसीजंस और नई आशाएं। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम ये करिए, कॉर्ड कटिंग कीजिए उन सारे नेगेटिव लोगों से जो 2023 में आपको किसी ना किसी रूप में परेशान किए, किसी ना किसी रूप से आपसे जुड़े रहे, लेकिन आप उन्हें अब नहीं चाहते। तुरंत कॉर्ड कटिंग कीजिए, बिल्कुल उस रिश्ते से कैसा भी संबंध हो, कॉर्ड कटिंग कीजिए। एनर्जी लेवल पे कॉर्ड कटिंग करने बोल रहा हूँ, कॉर्ड कटिंग के लिए मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसे देख लीजिएगा, ये भविष्य में भी आपके काम आएगा। अभी क्या करना है ये समझो, उनके नेवल से अपने नेवल में एक धागा देखिए, उसको इस तरह से पकड़ लीजिए और उंगली से कैंची बना के कट 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 तीन बार बोलिए, कॉर्ड कटिंग कीजिए। और वो जो बचा हुआ धागा है उसे इस तरह से लपेट करके उन्हीं की तरफ छोड़ दीजिए, मतलब कि आपका कॉर्ड आप में आ गया, उनका कॉर्ड उनके में चला गया, आप पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए। कहीं ना कहीं वो भी आपसे इरिटेटेड होंगे, है ना, कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट आप लोगों का होगा जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, तो अलग कर लीजिए। कोई ऐसी नेगेटिव ख्वाहिश रही होगी या कैसे भी ख्वाहिश रही होगी, पॉजिटिव ख्वाहिश रही होगी जो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई तो कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिविटी रह गई, यार ये पूरा नहीं हो पाया, डिस्कनेक्ट कर दीजिए खुद को, कॉर्ड कटिंग उस ख्वाहिश से भी कॉर्ड कर दीजिए, अलग कर दीजिए खुद को। ऐसे किसी बिलीव से अपने आप को अलग कर दीजिए, कॉर्ड कटिंग कर लीजिए ऐसे नेगेटिव बिलीव से कि ये करने से वो हो जाता है, वो करने से ये हो जाता है, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, वो कर लेंगे तो वो हो जाएगा। आपको अगर समझ में आ गया कि ये नेगेटिव बिलीव्स थे, इसे ख़त्म करना चाहिए, तो उससे कॉर्ड कटिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि 2023 में जिन जिन बातों के लिए आपको दुख लगा था, दुख मिला था, दुखी हुए थे, उन सारी बातों को लिखिए, लिखिए किससे झगड़ा हो गया था, मैं मुझे रिग्रेट है, इससे झगड़ा हो गया था, मैंने उसे वो कह दिया, इस बात का मुझे दुख है, वो क्या किया था तो इससे मुझे परेशानी हुई थी, ये बात मुझे पसंद नहीं आई थी, उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया था तो ये गलत है, ये सब चीज़ लिखो। जैसे कि मैंने लिखा कि 2023 के दिसंबर में मेरे चेहरे पर ये हादसा हो गया था जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर बालों पर ये सब हो गया था, तो उस बात का मुझे दुख था, मैंने लिखा, है ना, लिखिए। और सारी बुरी बातों को, सारी नेगेटिव बातों को लिखने के बाद हरे कैंडल में ले जाके जला दीजिए, कैंडल जलाइए, हरे रंग के कैंडल को जलाइए और उसमें उसको बर्न कर दीजिए। हरे कैंडल ना भी हो, नॉर्मल कैंडल लो, जला दो। मैंने एक तरीका बताया भी था, अभी फिर से बता देता हूँ कि नॉर्मल कैंडल को भी आप हरे रंग से, वाटर कलर से पेंट कर दो, स्केच पेन से पेंट कर दो और जला दो, हरा बन गया, जला के ख़त्म कर। बहुत इंपॉर्टेंट है ho'oponopono प्रेयर, मतलब कि जाने अनजाने किसी भी की हुई गलती के लिए क्षमादान मांगना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ho'oponopono प्रेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ड्रेन करना बहुत ज़रूरी है पुरानी एनर्जी को, रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है पुरानी एनर्जी को, रिलीज़ कर दीजिए। इन दो दिनों में बैठ करके, शांत होकर के दिन में कई बार ho'oponopono कीजिए। किन बातों के लिए? जाने अनजाने कोई भी की हुई भूलों के लिए, या कोई जानबूझ के की हुई गलती थी, या मतलब कोई गलती हो गई लेकिन आपको उसके बारे में पता है कि ये गलती मुझसे हो गई थी, शांत होइए, ho'oponopono कीजिए, रिलीज़ कीजिए, शांत होकर ho'oponopono कीजिए, रिलीज़ कीजिए, करना बहुत ज़रूरी है। ho'oponopono के लिए एक नंबर लिख लीजिए, 206,778,068। इस एंजल नंबर को हरे रंग के पेन से लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिख लीजिए, ये ho'oponopono का नंबर है, मतलब आप इंचैंट करके तो ho'oponopono कर ही रहे हो, साथ में से लिख लीजिए ताकि ये ho'oponopono का एंजल नंबर वो इफेक्ट देता ही रहे, 24 घंटे आपको देता रहे, क्योंकि आखिरी के दो तीन दिन ही हैं इसको करने के लिए, तो उसको करते रहे, वो आपके शरीर में होता रहे। इसके साथ एक और काम करेंगे, ऑरा क्लीनिंग करें, अपना खुद का ऑरा क्लीन करें, ऑरा क्लीन करें। ऑरा क्लीनिंग के लिए मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, जो हीलर्स हैं वो जानते हैं कि स्पिरल चौकोरे से ऑरा क्लीनिंग कर सकते हैं। नॉर्मली ध्यान वाले, ध्यान करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद जो हाथों में ऊर्जा होती है उससे हम ऑरा क्लीन कर सकते हैं। नमक पानी से नहा के ऑरा क्लीन करें,
या एक और इंजन नंबर है जिससे आप 7-8-4-6-8-2-4-6-6-6-5 ये ऑरा क्लीनिंग का नंबर है। बिल्कुल हो पुनपुन वाले नंबर के साथ इसे भी लिख दीजिए, हर ही पेन से लिखना, ताकि आपका ऑरा क्लीन होता रहे, आपका आभा मंडल क्लीन होता रहे। क्लींसिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ अपने घर के हर कोने को क्लीन कर लीजिए, चौकोरे से क्लीन कर लीजिए। चौकोरे नहीं बनाने आता, मैंने इस पर पूरा एक वीडियो बनाया कि कैसे घर को क्लीन करना है नमक पानी के साथ चौकोरे बना बना करके। कोई बात नहीं, अगर आप हीलर नहीं हैं, चौकोरे बनाना नहीं आता, तो ये नंबर 0927 के हर जगह 0927 लिखिए, क्लीन कीजिए, नमक पानी में डालिए। 0927 लिखिए, खींचिए, नमक पानी में डालिए। 0927 लिखिए, हर कोने से, हर कॉर्नर से निकाल निकाल के क्लीन कर लीजिए। और इसके साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सारी ऊर्जा को ड्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा सिखाता हूँ कि मिट्टी में खाली पैर चलो, मिट्टी में खाली पैर चलो। इस समय में एक और छत काम कर सकते हैं, मिट्टी में थोड़ा सा ऐसे मिट्टी को खोद करके पैर को घुसा लीजिए। अगर आपके गार्डन नहीं जा सकते, ठंड बहुत है, तो सूर्य की रोशनी जहाँ पर आ रही है, गमले में थोड़ा सा मिट्टी खोद करके पैर को घुसा लो और प्रार्थना करो कि हे मदर नेचर, सारी नकारात्मक ऊर्जा को, सारी एक्स्ट्रा एनर्जी को, सारी बेकार ऊर्जा को आप अपने अंदर समा करके मुझे इन सब से मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रार्थना के साथ आप इस ऊर्जा को मुक्त कर सकते हैं। एक और चीज़, वरी बॉक्स हमने बनाया था साल के बीच में या शुरुआत में ही, कभी भी जब बहुत परेशान होते हैं तो वरी बॉक्स बनाते हैं, तो साल के आखिर में वरी बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, उसे विलीन कर देना चाहिए। तो उसे क्या करना है, वरी बॉक्स को किसी पानी वाली जगह के पास ले जाके आग लगा दीजिए, या किसी पुराने पेड़ जंगल में जाकर के, या किसी दूर किसी गार्डन में जंगल के पास जाके उसे जला दीजिए, या अगर नहीं बनता है तो किसी अच्छे से जगह पे उसे आग लगा करके उसकी राख को किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। तो वरी बॉक्स को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी सारी वरीज इस साल के साथ ख़त्म हो गई। भले एक तारीख को फिर से बना लेना, लेकिन पिछले साल का कुछ भी इस साल लेके नहीं जाना। बहुत जल्दी में ये वीडियो बना है, बहुत जल्दी जल्दी इस चीज़ को आपको समझाना ज़रूरी था, क्योंकि समय बहुत कम है। जिन जिन तक ये पहुँच पाया बहुत भाग्यशाली हैं, और इसे करना ज़रूर करेंगे, सब अच्छा होगा। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।